क्षमा करना मैं या बड़ी देर हो गई? गुरु जी राधे राधे। हाँ मेरी माँ बताओ। हाँ, ठीक है। मेरी उम्र एज इतनी हो गई है, मैं पहली बार आपका ये सत्संग सुन के कथा सुन के मेरी प्रजाई साथ आई है। मैं डेली सुनती हूँ, रोटी खाने को मिले ना मिले घर का काम मेरा छूट जाता है। बच्चे भी कहते हैं अभी कथा शुरू होने वाली है जल्दी चाय पी लो। मैं चाय पीकर जितनी चिर आपकी कथा होती मैं यहाँ से उठती नहीं। कथा का मेरे पर इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरा अभी माड़ा समय आपके ये इधर उधर करा ना ऐसे अच्छा नहीं होता जी जी। मैं कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। अच्छा, आपका गुस्सा खत्म हो गया? खत्म बिल्कुल। हाँ देखो बच्चे कह रहे थे, मैं हंस रही थी बच्चों को, मैं कह रही थी बच्चे को, मैं हंस रही थी। चलिए देखिए, कथा सुन के आपके जीवन में ये बदलाव हो गया। हाँ, बहुत सुंदर। पटियाले से आई हूँ, आज सुबह 6:05 बजे हम बस स्टैंड पर आए, 6:20 पर हमारी बस चली। हम बैठे भाभी यार मैं अभी आई हैं, अभी हमको कमरा भी नहीं मिला। हाँ, हम वहाँ पड़े हैं हमारे वो जो है बैग वगैरह, थोड़ा बैग वैग मेरी माँ संभाल के रखना, चोर बहुत एक्टिव रहते हैं। कोई नहीं, चोरों को भी जो लेना होगा वो लेंगे, उनका लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, फिर भी सावधानी जरूरी है। मेरे पांव सूजे हुए हैं, आज से 15 दिन पहले मैं वैसे ही सांस चढ़ रहे, मैं 4 पाई से नीचे गिर गई। 4 पाई से 10 बजे का टाइम था कि मेरे बुरा हाल, अभी तो आपको थोड़ा दिख रहा है ना, मेरा चेहरा देखने के लिए लायक नहीं था। कोई बात नहीं। हाँ, आप स्वस्थ बच्चे भी कह रहे थे नहीं, तो मेरी भाभी ने वैसे ही कहा चल माथरा वृंदावन, मेरी हालत मंगा ठीक नहीं, मेरे को रात को बाथरूम बड़ा तंग करता है, मैं कहाँ जाऊंगी। कोई भी कहता ज्यादा राधे राधे का कीर्तन पटियाले में होता मैं हमेशा अटेंड करती, वहाँ हाथ खड़े करते कि माता कभी राधा मथुरा वृंदावन गई थी, मेरा हाथ नीचे फेस भी नीचे, मैं चुप कर जाती। पर लेकिन आपकी कथा 7/11/1945 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं आज आज आपकी बदौलत, गुरु की बदौलत, आपके सत्संग की बदौलत मैं यहाँ मथुरा वृंदावन में आई हूँ। बहुत सुंदर सुंदर तालियां हो जाए मैया जी के लिए। आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस उम्र में। हाँ, मैया को बिहारी जी ने बोला ही लिया। हाँ, देखिए श्रद्धा तो सच्ची हो तो भगवान कृपा करते जरूर हैं। मेरे घर में कभी चुड़चुड़ नहीं अभी होती, सब राधे राधे होती है और हंस हंस के हम बात करते हैं। कैसे करते हैं? कोई भी बात होती है मैं सबको बड़े छोटे सबको बेटा बेटा करती हूँ। खुश रही मैया जी, खुश आए। ये मेरी भाभी जी हैं, ये मैं तो फिर भी नांगा पा दूं तो ये नहीं पा, लेकिन कल शिवरात्रि थी, मैं रणी के तुरी डिस्ट्रिक्ट संगरूर में गई थी, मैं कहा भाभी मैं नहीं जाती, वहाँ बड़ी भीड़ होगी, मैं कैसे जाऊँ, मैं वैदा कर लिया और जाऊँगी जरूर। वहाँ से ऐसे फार्ग हुई, भोले शंकर ने मैंने 1 बजे पटियाले पहुँच दिया। जी जी जी। हाँ, आपकी कथा सुनने के लिए। चलिए बिहारी जी, आप पर कृपा बनाए रखे। हाँ, मेरी माँ आप पर मेरे ईश्वर दिया खुश रही। वो पीछे मेरी माँ खड़ी है, उनको देना जरा माइक पीछे मैया। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर नहीं किया जरूर कीजिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। खुश रहिए, बताइए क्या हुआ आपको? कल मेरी इन बेटियों का बर्थडे था, ये ट्विंस हैं, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। अभी एक मेरी बेटी चलती नहीं है, ये वाली। क्यों नहीं चलती? और एक बेटी चलती है। हाँ, वो ठीक है, वो चलती है। तो इसको ये क्या ट्विंस है, जब ये 7वें महीने में हो गई थी। अच्छा, 7वें महीने में। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं चल रही है ये? फिजियोथेरेपी सीपी चाहे। तो पाँव तो ठीक दिख रहे हैं, बहुत कमजोर नहीं दिख रहे हैं? खड़ी हो जाती है बेटी? खड़ी भी हो जा रही है पकड़ के। कितने साल की है ये? कल 6 साल की पूरी हो गई, 7वीं साल। आपका आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी सबको चलाते हैं। मूकम, भगवान जी के लिए एक शब्द लिखा है गीता में, एक श्लोक लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण चाहें, भगवान श्रीमन्नारायण चाहें तो गूंगा भी 5वें स्वर से बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। ये भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। इसलिए बिहारी जी के चरणों में डाल दीजिए, प्रभु आपकी बेटी है,
आप जानो आपका काम जाने, चलाओ ना चलाओ आपकी मर्जी, ये आपकी है, ऐसा बिहारी जी के चरणों में डाल के बोल दीजिएगा कल, ठीक है? तो भगवान कृपा करेंगे चलेगी। गुरुजी, मेरी मम्मी जी, सासू माँ, मतलब पिछले साल कोरोना में डेथ हो गई थी उनकी, उनका बहुत मन था आपसे मिलने के लिए, तो मेरा बस अंदर से मन करा मैं उनके नाम की पोथी पाठ कराऊं। हाँ हाँ हाँ, तो कल मतलब मैं पोथी पाठ कराना चाहती हूँ। जिनकी पोथी बैठी है कल, आप में से जितने लोग यहाँ हैं, सुबह 6:30 और 7 बजे आप लोग यहाँ सुबह उपस्थित हो जाइएगा। आपकी उपस्थिति सुबह 6:30 बजे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, 7 बजे तक तो हो ही जाए। जिनकी पोथी बैठी है कल से, जिनका पोथी पाठ है, तो आप सभी लोग 7 बजे उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुश रहिए।